वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ सोनिया। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। अभी ठंडी का मौसम है तो कुछ तो गर्मा गर्म चाहिए ही, तो आज हम हॉट चॉकलेट की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए दूध, डार्क कंपाउंड चॉकलेट, शुगर, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप घर पे भी बना सकते हैं। और इस चॉकलेट सॉस की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है और इस रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हमें चाहिए चॉकलेट स्प्रिंकल, इस रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और व्हिप क्रीम, व्हिप क्रीम आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ये मैंने घर पे बनाई है और इस व्हिप क्रीम की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। इस रेसिपी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गैस के ऊपर मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम है और मैंने एक ग्लास दूध लिया है। दूध गर्म हुआ है, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर को हम मेल्ट कर लेंगे। शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे डार्क कंपाउंड चॉकलेट। ये मैंने 1/4 बाउल लिया है, इसे भी हम मेल्ट करके लेंगे। चॉकलेट मेल्ट हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ये हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट का यूज़ किया है। अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो आप क्या करें, कैडबरी ब्रांड का बोनविला चॉकलेट लीजिए, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और ये हॉट चॉकलेट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। अब हम जिस ग्लास में इसे सर्व करेंगे उस ग्लास को हम चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं किया तो भी चलेगा। बेस में भी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हॉट चॉकलेट जो हमने रेडी किया था। अब हम इसे क्रीम से डेकोरेट करेंगे, तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम फिल की है और अब हम स्टार नोजल यूज करेंगे। हॉट चॉकलेट को मैंने क्रीम से डेकोरेट कर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये नहीं किया तो भी चलेगा। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल स्प्रेड करेंगे। वाव, आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, हमारा डेलीशियस हॉट चॉकलेट बिल्कुल रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।